ओके, एक्सपोर्ट की स्टार्टिंग होती है परचेज ऑर्डर से। ओके, फॉर एग्जांपल हम किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे पास कोई ऑर्डर आता है। ओके, तो ऑर्डर आता है, फर्स्ट वर्बली कम्युनिकेशन होता है, मेल पे कम्युनिकेशन होता है और रेट एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद एज एक्सपोर्टर हम उसको PI भेजते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। ओके, तो उस परफॉर्मा इनवॉइस को इम्पोर्टर चेक एंड वेरीफाई करता है, रेट एंड प्राइस टर्म्स, पेमेंट टर्म, इनको टर्म्स, ऑल ओवर थिंग्स जो इंटरनेशनल मार्केट में होती है, वो सारी चीज़ों को चेक करके वो हमें परचेज ऑर्डर देता है। ठीक है, तो जब हमारे पास परचेज ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट की डिस्पैच प्लानिंग करते हैं। ओके, तो शॉर्टली मैं बता देता हूँ, जैसे ही हमारे पास परचेज ऑर्डर आया, उसमें जितनी भी क्वांटिटी मांगी गई है, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर है इंपोर्टर्स को, वी जस्ट इन्फॉर्म टू अवर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन टीम। ओके, थ्रू मेल वी इन्फॉर्म टू अवर मैन्युफैक्चरिंग टीम, प्रोडक्शन टीम, सो दैट दे कैन प्रिपेयर द रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, वंस गुड इज़ रेडी फॉर डिस्पैच, ओके मींस आपके गुड्स रेडी हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आपके गुड को ट्रांसफ़र कर दिया गया वेयर हाउस में, अब हम उन गुड्स को हम डिस्पैच कर सकते हैं, यहाँ तक की बात आ गई। ठीक है, तो हम प्लानिंग करेंगे डिस्पैच की, तो डिस्पैच प्लानिंग स्टार्ट होती है, वी विल इन्फॉर्म टू अवर CHA। ओके, तो वी विल शेयर कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, बिहाफ ऑफ कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट अवर CHA विल बुक द कंटेनर। ओके, बिकॉज दैट इन पैकिंग लिस्ट वी विल मैंशन द साइज ऑफ गुड्स, सो दैट दे कैन CHA कैन बुक द कंटेनर एज पर रिक्वायरमेंट। उसमें जैसे कि हमने लिख दिया कि डायमेंशन क्या है गुड्स की, बॉक्स हैं क्या है, तो उसके बिहाफ पे वो अपना CHA ऑनलाइन शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करेगा। ओके, उसके बाद कंटेनर बुक हो जाएगा और वी विल आल्सो इन्फॉर्म टू अवर पैकिंग टीम टू पैक द गुड्स फॉर डिस्पैच। सो इसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, वो मैन पावर पहले से हमें अरेंज करनी पड़ती है, तो इंश्योर करना है कि हमारे पास सारी अवेलेबिलिटीज़ है गुड डिस्पैच करने के लिए, जस्ट लाइक ए फोरक्लिफ्ट ड्राइवर हो गया। ठीक है, पैकिंग के लिए जो इंटरनेशनल पैकिंग के लिए जो पैकिंग होती है स्टील केस, उनको पैकिंग कराने के लिए मशीन यूज़ होती है, तो उसके लिए जो भी मेन पावर लगती है वो सारी अरेंजमेंट आपका होना चाहिए, उसके बाद ही हम गुड्स का डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि हमें पूरा इंश्योर करना है कि हमारे पास ओवरऑल मेन पावर है कि नहीं है। इसके बाद जो होता है प्रोसीजर, हमारे गुड्स पैक्ड हो जाते हैं और हमारी टीम हमें इन्फॉर्म कर देती है पैकिंग टीम की, गुड्स आर रेडी फॉर डिस्पैच, देन वी विल इन्फॉर्म टू CHA कि दे ही कैन सेंड द कंटेनर टू अवर फैक्ट्री। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे ही हम अपने कंटेनर को अपने CHA को बताएंगे कि हमारे गुड्स रेडी हैं, आप कंटेनर भेज दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे गुड्स पैक हुए थे, हमने इनिशियली उसको अपनी इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस से पैकिंग लिस्ट दी थी। ओके, उसके बिहाफ पे कंटेनर बुक हो गया था, तो समटाइम क्या होता है कि जो गुड्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्वांटिटी कम है, एक हाथ कंटेनर है, तो वो साथ साथ ही हम उसको डेट दे देते हैं कि कंटेनर हमारी फैक्ट्री में इतनी तारीख को लग जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, अगर आपके आपकी गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कि 20 कंटेनर है आपके, तो उसको पैकिंग में टाइम लगता है, तो हम कंटेनर बुकिंग तो ले लेते हैं, लेकिन वी विल इन्फॉर्म टू हिम एज पर पैकिंग कि आज 3 कंटेनर हमने लोड पैक किए, कल हमने 4 कंटेनर किए, तो इस हिसाब से हम कंटेनर एम्प्टी कंटेनर मंगवाएंगे डिस्पैच के लिए। ओके, इसके बाद की बात आती है, जब पैकिंग हो जाती है तो फैक्ट्री में कंटेनर आ जाता है, कंटेनर को फिजिकल चेक इन वेरीफाई किया जाता है कि एक्चुअल में कंटेनर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गुड्स इतनी दूर जाएंगे, तो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है बाहर की कि जो कंटेनर वो क्लीन एंड इंटैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटेनर की फ्लोर डैमेज है, रूफ डैमेज है, अगर ऊपर से बारिश होगी तो पानी घुस सकता है, तो गुड्स आपके डैमेज हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रॉपरली कंटेनर को वेरीफाई करना है। ओके, अगर आपने कंटेनर में गलत कंटेनर में मींस कि आपका रूफ डैमेज है और उसमें कंटेनर में आपने गुड्स पैक कर दिया, रास्ते में बारिश हुई, पानी अंदर गया, तो गुड्स आपके ख़राब हो सकते हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपके गुड्स वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपकी रिपोर्ट आएगी, ठीक है, ट्रबल शूटिंग आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि गुड्स सही नहीं भेजे गए, तो फिर जो आपकी डिस्पैच टीम है उसके ऊपर आएगा कि आपने कंटेनर को वेरीफाई नहीं किया,
ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि वो गुड्स रिजेक्ट कर देगा तो आपका फ्रेट भी लगेगा और गुड्स के चार्जेस और काफ़ी काफ़ी हेवी लॉस हो सकता है, तो इसलिए कंटेनर को प्रॉपरली चेक करना ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंटेनर मंगा लिया, कंटेनर हमारा फैक्ट्री में आ गया। उससे पहले एक प्रोसीजर होता है कि हमने जो कमर्शियल इनवॉइस भेजी है अपने CHA को, वो हमें चेकलिस्ट भेजेगा। वो क्या, वो प्री इनिशियल डाटा सबमिट करेगा EDI में, मीन्स कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि हमारी शिपमेंट आने वाली है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो क्या, एक चेकलिस्ट करेगा EDI में, जो कमर्शियल इनवॉइस हमने भेजी है उसके बिहाफ पर कस्टमर डाटा सबमिट करेगा, और जो डाटा उसने सबमिट किया वो हमसे अप्रूवल लेगा कि जो हम डाटा सबमिट कर रहे हैं ये ओके। क्योंकि फर्स्ट वो ड्राफ्ट भेजता हमें चेकलिस्ट का, तो हमने चेक किया, वेरीफाई किया, ID कोड जो भी डिटेल उसमें होती है, ये बायर नेम, कंसाइनी नेम, ओके, शिपर नेम, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ओके। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती है जैसे इनको टर्म, पेमेंट टर्म्स, एवरीथिंग बहुत ज़रूरी होता है उनको चेक करना। इंटरनेशनल कमर्शियल इन्वॉइस में बहुत ज़रूरी होता है एक एक चीज़ को चेक करना, अगर थोड़ी भी गलती होती तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब हम चेकलिस्ट से अप्रूव करेंगे उस टाइम हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें भी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो चेकलिस्ट अप्रूव हमने कर दी। अब क्या होगा, चेक जैसे अप्रूव करेंगे वो वहाँ से शिपिंग बिल नंबर दे देगा हमें, ओके, और शिपिंग बिल नंबर उस पर लिखे हुए आ जाएंगे चेकलिस्ट पे, और वो हमें भेज देगा, हम प्लांट में भेजेंगे। और जो डॉक्यूमेंट जो भेजेंगे हम, जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किए उसके साथ ही हमें लगाना पड़ेगा चेकलिस्ट, ठीक है, क्योंकि उस पर शिपिंग बिल नंबर लगते हैं। शिपिंग बिल नंबर जब कस्टम यार्ड में हमारी शिपमेंट जाएगी, हमारा ट्रक जाएगा कंटेनर का, तो वहाँ पे आपको शिपिंग बिल नंबर के बिहाफ पे ही एंट्री होगी। अगर आपका शिपिंग बिल नंबर नहीं है तो आपको कस्टम यार्ड में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कंटेनर्स के साथ, हमें प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट बना लिए, कंटेनर्स आपका आपने पोर्ट पर भेज दिया एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपकी कस्टम के लिए एग्जामिनेशन हो गई। तो इसमें प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट का सेट हमने बना के ड्राइवर को दिया था, वो ड्राइवर डॉक्यूमेंट कंटेनर के साथ ले जाता है और वहाँ पे जाके CHA का उसे CHA की कनेक्टिविटी होती है, वो CHA को हैंड ओवर कर देता है और कंटेनर का स्पेस बता देता है कि कंटेनर कहाँ पर प्लेस किया वो बता देता है। इसके बाद जब एक्चुअल में कंटेनर की जब एग्जामिनेशन होती है तो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके बिहाफ पे CHA प्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट्स को और एग्जामिनेशन करवाता है। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसमें भी उसका रिप्लाई देना पड़ता है। इसके लिए कभी कभी एक्सपोर्टर को भी वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो अब समझने की बात यह है कि जो चेकलिस्ट के थ्रू हमने प्री इनिशियल डाटा हमने EDI में सबमिट किया था, अब यहाँ पे इंस्पेक्टर के थ्रू फिजिकली चेक करके उस डाटा को वेरीफाई किया जाएगा और कुछ एडिशनल डाटा उसमें डाले जाएंगे, जैसे कंटेनर नंबर हो गए, सील नंबर हो गए, टैक्स इनवॉइस नंबर हो गए। तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से डलेगी कस्टम पे एग्जामिनेशन के टाइम पे। इस प्रकार से एग्जामिनेशन होने के बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद डेटा जो आपने शिपिंग बिल पे दिया है वो और शिपिंग लाइन जो कंटेनर हमने बुक किया था उस टाइम दिया था, दोनों डाटा वेरीफाई होंगे, मतलब मैच हो गए। उसमें आइटम डिस्क्रिप्शन सेम होनी चाहिए, अगर कोई डिफरेंस है तो ईजी एम एरर आ जाती है। आपने सुना होगा ईजी एम एरर आ गई, आप ई मैच क्लेम नहीं कर पाओगे, आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो इस टाइप आपको दोनों चीज़ों को मैच करना है कि जो आपने शिपिंग बिल पे डाटा दिया है वो भी सेम होना चाहिए और जो शिपिंग लाइन को डाटा आपने दिया है दोनों मैच होने चाहिए। दोनों मैच हो जाएंगे तो आपके ड्रॉबैक और उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया आपको और आपकी शिपमेंट वहाँ से चली गई, ठीक है, मतलब कस्टम के लेवल पे है। साथ साथ हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, वो इम्पोर्टेंट है, आपको शिपिंग लाइन आपसे मांगेगी शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शंस, मीन्स कि आपके BL पे क्या प्रिंट होकर आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए जो कमर्शियल इन्वॉइस पे, तो वो भी हमें प्रॉपरली शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देना है अपने शिपिंग लाइन को। वो CHA के थ्रू भी जाता है और डायरेक्टली शिपिंग लाइन को भी जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन हम देंगे उसमें हमें एक एक चीज़ प्रॉपरली करेक्ट मेंशन करनी है, और उसको जब वो वापस अप्रूवल के लिए भी ड्राफ्ट भेजेगा, जैसे बोलते हैं BL ड्राफ्ट अप्रूवल, आपने सुना होगा, तो उसको जब अप्रूव करते हैं वो बहुत ही केयरफुली और ध्यान से करना है, क्योंकि जो डिटेल आप उस BL ड्राफ्ट में मैच करोगे अगर उसमें और एक्चुअल आइटम डिस्क्रिप्शन में या एड्रेस में या पोर्ट ऑफ लोडिंग या किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये बिल ऑफ लेडिंग है, इसके बिहाफ पे
जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ पे शिपमेंट डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा। अगर उसमें कुछ मिसमैच पाएगा तो डिलीवरी ऑर्डर नहीं मिलेगा, इसकी वजह से वहाँ डिटेंशन लगती है, फिर आपको बीएल सरेंडर करना पड़ेगा और काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि हम उस बीएल को अच्छी तरह से बनाएं, उसको चेक इन वेरीफाई करके अप्रूवल दें। ठीक है, यहाँ पे बीएल ड्राफ्ट अप्रूवल हो गया। बीएल ड्राफ्ट अप्रूवल होने के बाद आपका क्या होगा, आपकी शिपमेंट जो है सेल होगी। शिपमेंट जैसे सेल होगी आपको मिलेगा बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, उसके बाद शिपिंग लाइन बिल ऑफ लेडिंग देगी सीएचए को, क्योंकि बुक उसने किया था, और सीएचए के पास वो डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे जो एग्जामिनेशन के टाइम इंडोर्स किए गए इंस्पेक्टर के द्वारा एट द कस्टम। तो ये डॉक्यूमेंट प्लस बीएल और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बनाया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर है तो जीएसपी भी बनाई जाएगी। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया, ये सारे डॉक्यूमेंट एज़ पर कंट्री वाइज होते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस शिपमेंट के लिए जिस कंट्री के वाइज, वो डॉक्यूमेंट सीएचए प्रिपेयर करके हमें ऑफिस में भिजवाएगा। ओके, सम केस ऐसे भी होते हैं, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्टर खुद ही बनवा लेता है, और अब तो ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर सकता है, सीओसी डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवा सकता है। ठीक है, तो अब बात आई, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आएंगे हमारे पास तो ये पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट होंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करेंगे बैंक, करने पड़ेंगे बैंक में। ओके, तो जब ये डॉक्यूमेंट सीएचए के थ्रू आएंगे, ठीक, समझने की बात ये है कि शिपमेंट आपकी सेल हो गई, आपको बिल ऑफ लोडिंग मिला, कुछ डॉक्यूमेंट आपको कस्टम से मिले और कुछ डॉक्यूमेंट आपने कुछ एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी से बनवाए, तो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो शिपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है और वे हम बना लेंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस हम ही बनवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस में सीएचए इन्वॉल्व नहीं होता है, इंश्योरेंस हम प्रिपेयर कर लेंगे इन केस ऑफ शिपमेंट इज सीआईएफ। ओके, सीआईएफ के केस में हम ही बनाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट का सेट बन गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा बायर से, उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट का सेट बना के बैंक में जमा करवाएंगे, इसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट सबमिशंस। तो उसमें क्या होगा, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और बैंक लेटर लगेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट के सेट लगेंगे और बैंक में सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो एज़ पर कंडीशंस जो भी आपकी पेमेंट टर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट आएगी। जैसे कि एक पेमेंट टर्म होती है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो जैसे डॉक्यूमेंट आप बैंक में दोगे तो आपको पेमेंट आ जाएगी। एक होती है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस में क्या होगा, जितने दिन का आपको डिले एग्रीड और क्रेडिट टाइम दिया गया उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, आपको विद इन 120 डेज 120 डेज 90 डेज 60 डेज 45 डेज, जो भी आपका एक्सेप्टेंस है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार बैंक में जमा करने के बाद पेमेंट आ जाती है। अब क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक फॉरवर्ड करेगा कंसाइनी बैंक को, मीन्स कि जहाँ पे आपकी शिपमेंट गई है वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कंसाइनी छुड़वाएगा। मीन्स कंसाइनी कैसे छुड़वाएगा डॉक्यूमेंट को, उसको इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी कि गुड्स की जो वैल्यू है वो बैंक में सबमिट करेगा तो उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि टर्म क्या पड़ा, मैं बेसिक आइडिया ये है इसका डॉक्यूमेंटेशन का कि आप पेमेंट करोगे तभी डॉक्यूमेंट मिलेंगे, जब पेमेंट बैंक को मिल जाएगी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे उसको अपने कंसाइनी को। अब कंसाइनी इन डॉक्यूमेंट को अपने एजेंट को देगा। ठीक है, एजेंट को देगा तो ये डॉक्यूमेंट एजेंट अपना जो होगा मतलब सीएचए वहाँ का इंपोर्टर कंपनी कंट्री में, सीएचए इन डॉक्यूमेंट्स को शिपिंग लाइन को दिखाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, अब हमें डिलीवरी ऑर्डर दे दो। तो उस टाइम डिलीवरी ऑर्डर लेने से पहले हमें शिपिंग लाइन की अगर फ्रेट की पेमेंट है और किसी कोई भी पेमेंट है वो सारी पेमेंट इंपोर्टर को वहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर सीआईएफ का केस में होगा तो पेमेंट हम ही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीआईएफ के केस में क्या होगा, आपका जो फ्रेट भी इंक्लूड होगा, तो इसमें जो इनवॉइस हम बनाएंगे उसमें फ्रेट भी इंक्लूड होगा और आपका इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये सीआईएफ वैल्यू उसमें मेंशन कर दिए, मतलब कि हमें गुड्स को डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचाने हैं। ठीक है, तो इस केस में अपने एजेंट को वहाँ पे सिर्फ कस्टम की पेमेंट करनी पड़ेगी ड्यूटीज़ की। ठीक है, क्योंकि सीआईएफ के केस में हमने इसकी पेमेंट कर दी शिपिंग लाइन की। अब जैसे पेमेंट होगी शिपिंग लाइन जो शिपमेंट है डिलीवरी ऑर्डर्स दे देगा अपने सीएचए को और सीएचए
एग्जामिनेशन के करवा के गुड्स को फैक्ट्री में लगवा देगा इम्पोर्टर की कंट्री में। तो इस प्रकार से एक बेसिक आइडियोलॉजी है ये एक्सपोर्ट की, कि कैसे शिपमेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। ओके, इस प्रकार शिपमेंट के हमारे पास बिल आएंगे और बिल आने के बाद फिर बिल की पेमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने शिपमेंट की है उसके शिपमेंट के CHA के बिल आएंगे और शिपिंग लाइन के आएंगे, इनलैंड हॉलेज चार्जेस के बिल आएंगे। सारे पेमेंट करने के बाद ये प्रोसीजर ख़त्म होगा। अब इसके बाद भी एक प्रोसीजर बचा रहता है कि जो शिपमेंट आपने की है इसके ड्रॉबैक इवैल्यूएशन करने आपको, ठीक है। तो क्या होगा, वैसे उसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, जो भी शिपमेंट करते हो ऑटोमेटिकली ड्रॉबैक आपके अकाउंट में आ जाता है। बट आपको उसमें ऑनलाइन iSkate की साइट पर जाके चेक करना है कि कितना ड्रॉबैक आया है शिपमेंट के अगेंस्ट, तो वो उसे मैच करके हमें अपने अकाउंट्स को बता देना कि शिपमेंट के अगेंस्ट इतना ड्रॉबैक आया है, वो अपना रिकनसाइल करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद एक्सपोर्ट पे MEIS क्लेम करना है तो उसके लिए अपने जो कंसल्टेंट होता है लाइसेंस के लिए, उसको आप शिपिंग बिल भेज दो सारे इकट्ठे करके मंथली वाइज। जैसे 50 शिपिंग बिल आप भेज दो, वो अपने आप अप्लाई कर देगा और लाइसेंस बना के आपको दे देगा। तो ये दो प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये कि अगर आपने IGST पे नहीं कर रहे हो, मीन्स कि आप LUT के अंदर शिपमेंट निकाले, तो आपको एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं देनी है। तो जितने भी आप शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके टैक्स इनवॉइस और शिपिंग बिल की कॉपियाँ का सेट आपको सेंट्रल एक्साइज में सबमिट करना पड़ेगा, तो उससे आपका वो GST वाला भी पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपकी सारी ये एक्सपोर्ट एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा और भी एक एक्टिविटी और भी होती है कि अगर आपने शिपमेंट एडवांस लाइसेंस या IPCG लाइसेंस पे किया है, तो फिर आपको एक्सपोर्ट करते समय अपने CHA को बताना है कि ये शिपमेंट FECG में या एडवांस में है। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग हमें वो डिटेल भी मेंशन करनी पड़ती है कि इस एडवांस लाइसेंस या FECG के अगेंस्ट हमने इतनी शिपमेंट की है, तो वो फिर वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में फुलफिल के लिए काम आता है। तो ये लास्ट एक्सपोर्ट करने की बात की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।